हेलो दोस्तों, ये हमारे जो प्लेट है, ये प्लेट में हमारी जो कि 4.5 इंच की इधर को है और 6.5 इंच उधर को है, तो आपको जो इसकी प्लाई काटनी है वो 10 इंच की काटनी है, क्योंकि जो कि कटर की प्लेट से थोड़ी इसकी लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होगी तो जो कटर चलाने में दिक्कत होगी। जितनी ही चौड़ी होगी, इतनी लंबी प्लेट रहेगी, उतना ही आसान रहेगा कटर चलाने में, उतना ही सीधा कटेगा। तो ये हम ये 10x7 की जो कि प्लेट को काट लिया है। उसके बाद में हमें ये नट पूरी तरह से खोल लेना है। नट खोलने के बाद इसकी प्लेट में हमें कोने के सुराख करने हैं, क्योंकि हम दो ही नट लगाना चाह रहे हैं, तो हम कोने के इसमें सुराख करेंगे। ये आप पर निर्भर करता है, आप 2 लगाओगे 4 लगाओगे या 3 लगाओगे, आप 4 भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 बोल्ट से काम चल रहा है तो हम 2 ही लगाएंगे, 4 नहीं लगाएंगे। और हमें बोल्ट भी नहीं लगाने हैं, हमें तो चाइना पेंच लगाना है, क्योंकि चाइना पेंच से ही काम चल जाता है। तो हम इसे सुम्मा से हल्का सा सुराख कर रहे हैं, चाहे तो आप ड्रिल मशीन से भी कर सकते हैं, इसमें कलाई बोल्ट लगा सकते हैं, ये आप पर निर्भर है आपको क्या करना है। उसके बाद में हमें जो कि ये अड्डा फिर से टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद हमें प्लाई वाला जो हमने अड्डा काटा था जिसकी प्लेट, वो प्लेट पे हमें इसके निशान लगा लेना है और ये एडजस्ट कर लेना है कि हमारा जो कटर है वो बीच में ही होना चाहिए। दोनों तरफ से आपको फीतस नाप लेना है। उसके बाद आपको आराम से किसी पेंसिल से या कील से निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद में प्लाई में आपको एक सुराख कर लेना है, ड्रिल कर लेना है। ड्रिल करने के बाद में आपको कटर मशीन में इसको टाइट कर देना है, जैसा कि हमने बताया आपको कि हम चाइना पेंच लगाएंगे। तो ये हमारा चाइना पेंच जो हम लगा रहे हैं, इसमें चाइना पेंच को लगा दिया है। चाइना पेंच लगाने के बाद में आपको, हमने ये आपने नोटिस किया होगा कि इसमें हम कटर की जगह जो कोई नहीं काटा है, कटर कहाँ पर कटर की ब्लेड चलेगी, तो ये हमने नहीं काटा, ये कटर अपने आप अपनी जगह बना लेगा। अब इसको हमने लाइट में लगा दिया है। लाइट में लगाने के बाद में कटर को चालू करके हम धीरे धीरे से कटर को नीचे डालेंगे नट खोल के, तो जो अपना पत्ता है कटर का वो अपने आप ही अपनी जगह को बना लेगा। तो ये अलग से काटने की आपको ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही बना लेगा, जितने में चलेगा उतना एडजस्ट हो जाएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और पास में दिए हुए बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर भी करें, जैसा कि आपने देखा कि ये पत्ता अपने आप एडजस्ट हो चुका है और अपनी जगह को बना लिया है।